हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज लेट से अपना ये कमेंट का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे कमेंट भी कम थे और घर में काम भी बहुत था, जो कि आज है संडे। तो आप सबके घर में भी काम संडे वाला दिन तो बहुत ज़्यादा ही होता होगा। तो भाई, अब चलती हूँ अपने कल के दो वीडियो के कमेंट्स बोलने। और सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ूंगी सुमित्रा जी का। उन्होंने लिखा है, समर मम्मी बहुत ही ज़िद्दी है, राधिका बोल रही है ऊपर बैठकर के उनको समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों को अलग करके रहेगी, तेरी मम्मी अभी भी तेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं रही है और सिर्फ गुनगुन को लाना चाहती है, क्योंकि गुनगुन के पेट में समर सोचती है, मेरा समर का बच्चा समर अपनी आँखों खोल लेना चाहिए, कुछ भी बोलेगा राधिका के साथ मत छोड़ना। समर, राधिका बहुत ही अच्छी लड़की है, तेरी मम्मी से गुस्सा इसलिए हुई है कि तेरी मम्मी के पीछे गुनगुन उसे घर पर आ जाएगी। समर, तेरी मम्मी कुछ भी कर सकती है राधिका के ऊपर। हाँ, ये बात तो आपने सुमित्रा जी एकदम सही कहा है। राधिका इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसको पता है कि अब इसकी मम्मी आई है, अब गुनगुन भी आएगी। पर गुस्से में ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हीं को ना समझने लगे और तुम्हीं को ख़राब समझने लगे। बहुत सारे तरीके हैं अपनी सास को टैकल करने के। और दूसरी बात है, गुनगुन अभी आई नहीं है, जब गुनगुन आएगी तो गुनगुन के संग वैसा बर्ताव करो, ना कि अपनी सास के साथ। अरे, सास के संग बर्ताव करेगी जितना, उतना वो समर से और दूर होता जाएगा। ये चीज़ तो राधिका को समझना चाहिए क्योंकि समर है बहुत ज़्यादा पलटू प्याज आदमी, कभी इसके पास कभी उसके पास, उसको पता नहीं चलता है कब किसके पास जाना है। जोस्वी जी लिखा है, द मेन थिंग इज दैट सिस्टर शी वॉन्ट्स टू सेपरेट राधिका एंड समर सो शी कैन ब्रिंग गुनगुन इन टू द पिक्चर फॉर समर, बिकॉज वेन समर्स मदर केम द फर्स्ट टाइम द मिसअंडरस्टैंडिंग टुक प्लेस, शी टोल्ड राधिका वाइल शी वॉज लीविंग, यू राधिका आई विल शो यू। ये बात तो सही है। उसके बाद मीना जी ने कहा है, मुझे हार्ट साइन दिया, थैंक यू मीना जी। फिर खुशी बहन ने फिर मुझे आज भेजा थम्सअप। खुशी बहन, क्या बात है, बहुत दिन से आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। आप मुझे खुशी, हेलो दीदी, नमस्कार दीदी नहीं लिख रहे हो, मैं आपके नमस्कार को बहुत मिस कर रही हूँ। एनीवेज, आपके शौहर हैं घर में, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, सब चलता है। एनीवेज, बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा, बस यही बहुत है। गीता जी ने लिखा है, सिस्टर आप सही बोल रहे हो, थैंक यू गीता जी। शशि जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, दोनों जाने झुके हो भाई, अब तब तो कम बनेगा तो काम बनेगा, सही कहा आपने। रेहाना बहन ने लिखा है, सही बोला मैम, समर की मम्मी गुनगुन जैसी ड्रामा कर रही है। एकदम रेहाना बहन, वैसे ही ड्रामा शुरू की है। जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी समर की माँ कर रही है नाटक, क्योंकि गुनगुन ने बोला था तुम जाने के बाद मुझे बुला लेना, इसलिए वो समर और राधिका में ज़्यादा लगा रही है, आग लगा रही है, ताकि समर राधिका को अपने मम्मी के यहाँ भेज दे और फिर गुनगुन समर के पास वापस आ जाए। बार बार बोलती है मैं तुम्हारा भी अच्छा चाहती और गुनगुन भी का भी अच्छा चाहती हूँ, दोगली है समर की मम्मी, वो किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। मुझे लगता है समर की मम्मी अपने पति की भी नहीं है क्योंकि अपने पति के पास तो टिकती ही नहीं है, जब देखो इधर उधर 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 ही टिकती रहती है। सुकुमार जी ने लिखा है, यू आर रॉन्ग, राधिका जी इज एंग्री द वे शी हैज़ बीन ट्रीटेड, शी नेवर एक्सेप्टेड राधिका जी एज अ डॉटर इन लॉ, डोंट यू फॉरगेट व्हेन समर्स मॉम लेफ्ट गुनगुन्स फ्लैट, गुनगुन सेड दैट समर्स मॉम शुड कॉल एंड गेट हर बैक। ऑफकोर्स राधिका हैज़ अ पॉइंट, येस एग्जैक्टली, राधिका हैज़ अ पॉइंट। बस सुकुमार जी, क्या है ना, पॉइंट होने के बाद भी अगर राधिका को थोड़ा सा पेशेंटली काम करना चाहिए, पेशेंटली काम करेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी गुनगुन आई तो नहीं है ना, जब आई नहीं है तो अपने मदर इन लॉ के संग ऐसा बिहेवियर करके क्या फ़ायदा। मदर इन लॉ हज़ार काम गलत करेगी, मदर इन लॉ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहीं पे अगर डॉटर इन लॉ कुछ कर देगी तो डॉटर इन लॉ को सब कोई पॉइंट आउट करेगा, ये बात आप मानते हो ना। यही पॉइंट लेके मैं राधिका को बोलती हूँ, अच्छे से बात करो मदर इन लॉ से, कहीं तुम्हारे ये बिहेवियर से तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ना घिसक जाए। हस्बैंड ही घिसक जाएगा तो मदर इन लॉ क्या और गुनगुन क्या, उन लोग से कुछ लेना देना है उसको, कुछ नहीं है, मेन है हस्बैंड, तो हस्बैंड ही नहीं रहेगा। और समर तो आप जानते ही हो, समर कभी भी गुनगुन के पास जा सकता है, इसलिए राधिका को अपना अच्छा पेशेंटली काम करना चाहिए और अपनी मदर इन लॉ के संग अच्छे से पेश आना चाहिए। हाँ, मदर इन लॉ से उसका बहुत ज़्यादा तंग हुई रखी है, आई नो, क्योंकि वो आगे से ही वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करती थी राधिका के संग। पता नहीं राधिका के संग समर से शादी क्यों करवाई, वो बस अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए करवाई थी और कुछ नहीं, नहीं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको राधिका उसको अच्छी लगे। जितना मैं देख रही हूँ कि समर की मम्मी जब से बारिस के चक्कर में गुनगुनी उसको अच्छी लगने लगी है। उसके बाद
अजलूल इन्होंने लिखा है, समर की माँ के गुनगुन जैसा ड्रामा किया है। हाँ, उसके बाद मैं देख लेती किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं झट से पढ़ लूँगी। तरनजीत सिंह जी का है, जब जा सब गुनगुन और समर की माँ का ड्रामा है। ये सब सही बात है, ये सब समर और गुनगुन की माँ का ड्रामा है, मतलब समर की माँ का ड्रामा है। फिर चंद्रवती जी ने लिखा है, बुढ़िया शादी कराकर गुनगुन का साथ दे रही है, सच में गुनगुन को बुढ़िया लाएगी। ये कहानी बनाने वाला समर ही बेशरम है जो राधिका से गलत करवा रहा है। एकदम सही कहा, वो राधिका से खुद ही अपने ब्लॉग में गलत करवा रहा है, क्योंकि ये तो स्क्रिप्टेड है पूरा, समर ने ही तो स्क्रिप्ट लिखा है। अब मैं अपने दूसरे वीडियो की ओर चलती हूँ, जिसमें ध्रुव की मम्मी आई थी बोलने के लिए गुनगुन को कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ो। उसमें मेरे पास दो ही कमेंट है, एक गीता जी का है जो मुझे सही, अपने सिस्टर आपने सही कहा है लिखी है, थैंक यू सो मच, और शशि शुक्ला जी मुझे हाहा भेजी है, तो थैंक यू सो मच। बस मेरे पास यही कमेंट्स थे। अब मैं कल के कमेंट के वीडियो में अपना झट से देख लूँ, अगर किसी का कमेंट रह गया हो तो मेरे कल के व्लॉग में मुझे 3 कमेंट्स मिले थे। तो पहला कमेंट था गीता जी का, सिस्टर कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, मैं एकदम परफेक्ट हूँ गीता जी, थैंक यू सो मच। बस इधर आओ, इधर इधर बैठो बैठो बैठो, इसका हालत आप देखो, क्या हालत किया वाटरमेलन खा के, एकदम इसका हालत देखो, अभी लॉलीपॉप खा रहा है, एकदम मंकी से कुछ कम नहीं लग रहा है मेरा बेटा। फिर तारा बहन जी ने लिखा है, गुड जॉब, थैंक यू तारा जी। फिर रीटा जी ने मुझे हार्ट भेजा, थैंक यू सो मच। बस और मेरे कमेंट के वीडियो में मैं देख लूँ, कल के कमेंट के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, शायद मैं देख लेती हूँ। 3 कमेंट्स थे, एक था तारू बहन भट्ट जी का, उन्होंने लिखा है, राधिका बहुत अच्छी लड़की है पर आजकल अच्छा बनना भी अभिशाप बन गया है, राधिका ने अच्छी तरह से भोग लिया है इसलिए राधिका ऐसा कर रही है, अच्छी बनके समर को डिप्रेशन में से बचाकर अपने जीवन का बलिदान दे दिया है, ये समर की माँ को भी पता है, फिर भी गुनगुन ने राधिका के साथ गलत किया है ये जानते हुए भी समर की माँ गुनगुन का पक्ष में बोलती रही, इसलिए आज राधिका उसके साथ ऐसा कर रही है, नहीं तो राधिका अच्छी लड़की है, गुनगुन जैसी बेशर्म लड़की नहीं है, समर की मम्मी ने राधिका की ऐसी बनने के लिए मजबूर किया है, समर की माँ को भी पता चलना चाहिए कि गलत का साथ देने का नतीजा क्या है। अच्छा ही लिखा आपने। फिर मारिया जी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून सिस्टर, टुडे यू डोंट सीम्स टू लुक गुड, आर यू नॉट फीलिंग वेल? यस मारिया जी, आई वॉज नॉट वेल एट ऑल एक्चुअली, डे बिफोर यस्टरडे आई एट दैट मुगलाई पराठा एंड दैट वॉज, आई डोंट नो फ्रॉम विच ऑयल दे हैव मेड इट, उसी से मेरा तबियत पूरा एसिडिटी फॉर्म हो गया था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सिक, सो कल जाकर थोड़ा मैं बेटर फील की, थैंक यू सो मच। एंड यू आर लुकिंग वेरी पेल टू द सिस्टर, यू बेटर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सिस्टर, फॉर एवरीथिंग एंड यू बेटर टेक रेस्ट, गॉड विल ऑलवेज यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मारिया जी। बस मेरे पास यही 2 कमेंट्स थे, और एक कमेंट है सुकुमार जी का, उन्होंने लिखा है, डोंट यू ऑल रियलाइज व्हाट राधिका जी हैज़ इंडर्ज इन समर्स मॉम, शी हैज़ नॉट इवन रिगार्डेड एज हर डॉटर इन लॉ एंड येट शी वॉज द वन हु पुश्ड हर इनटू मैरिंग समर एंड व्हाट सेक्रीफाइस शी हैज़ मेड, ऑफ कोर्स शी इज एंग्री एंड व्हाट ड्रामा बाय समर्स मदर, डिड गुनगुन और हर फादर और हर ब्रदर नेवर टोल्ड हर हाउ दे हैड बीन टर्न्ड ऑफ टर्ब्ड आउट ऑफ देयर मॉम and not to sit on the bed that Radhika's mom bought she as she didn't like the pair sleeping on the floor, I too would not entertain her if I was Radhika. Very well said Sukumar ji, and exactly Radhika अभी थोड़ी change इसलिए हुई है क्योंकि उसकी mother in law के कारनामे उसको याद आते हैं, और बहुत अच्छे से कारनामे ही समर की मम्मी ने किया है, वो हम उससे कुछ छुपा नहीं है। तो चलिए अब मेरा यही कमेंट्स का सिलसिला ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग मेरे ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहोगे, और मेरा बेटा जी आ गया आप लोग को बाय बाय करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बोल दो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।